हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, हम उसके इश्क में इस कदर चोट खाए हुए हैं, कल उसके बाप ने पीटा था, आज भाई आए हुए हैं। हेलो, वेलकम टू एपिसोड नंबर 12। कैसे हो आप दोस्तों? हम लोगों ने पिछली बार बहुत सारे काम किए था, इस बार भी हम लोगों को अपना बहुत सारा काम करना है। हमने पता है फ्री टाइम में वो बना लिया था, क्या कहते हैं, आयरन फार्म बना लिया था। ठीक है, मेरा आयरन फार्म थोड़ा सा ब्रोकन है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। ये देखो कहाँ गया इस आयरन फार्म, इसको आयरन फार्म ही कहेंगे। ठीक है, इसके नीचे में यहाँ पे कहीं गोलम वोलम स्पॉन हो जा रहा है यदा कदा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है, बाकी मेरे ख्याल से ठीक है। क्यों बाकी, मतलब कि मेरे को आयरन मिल जा रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे को आयरन नहीं मिल रहा है, आयरन वायरन मिल जा रहा है, सब चीज़ें ठीक है। चलो, मेरा रिकॉर्डिंग भी ऑन ही है, हम चेक कर रहे थे वगैरह। ओके, देखो इसमें क्या होता है ना, हर सुबह ना एक गोलेम आयरन गोलेम स्पॉन करता है, ठीक है, एंड आई एम नॉट गोइंग इनसाइड। देख रहे हो, ये देखो, पता है इसको हमने लाया था यहाँ पे, और ये लोग पता नहीं क्या कर रहा है अंधेरे में, नहीं पता। तो या कैसे है शायरी मेरे को आती है, थोड़ी बहुत शायरी आती है, ठीक है, काम चलाओ शायरी आती है। आप सोच रहे हैं कि हर एक एपिसोड एक शायरी से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो या लेट्स गो, ये मेरा आयरन फार्म थोड़ा सा ब्रोकन है, सच बताया ना ब्रो, ये थोड़ा सा मतलब कि हल्का सा ये ब्रोकन है, मेरे ख्याल से यहाँ पर वो स्पॉन कर जा रहा, क्या कहते हैं। तो पता है अभी इस बार मेरे को वो चाहिए होगा, जिसमें कितना सारा वो मेरे को स्लैब वलैब चाहिए था। ये एक टूटा फूटा आयरन फार्म है, थोड़ा बड़ा गोल्ड तो बन ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि गोल्ड वोल्ड नहीं है मेरे पास, गोल्ड नहीं, थोड़ा बड़ा आयरन वायरन मिल ही जा रहा है, इट्स काइंड ऑफ ब्रोकन, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मेरे को पता है वो चाहिए कितना सारा, कॉबल स्टोन चाहिए, कॉबल स्टोन की मेरा काम नहीं चल रहा है, ठीक है। ये देखो, ओवर पॉपुलेशन हो गया गायों की, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया, ठीक है, और मेरा FPS भी ड्रॉप होता जा रहा है। क्या है, चलो लेकर के आते, थोड़ा सा कॉबल स्टोन लेकर के आते, ठीक है। तो हमने बोला था ना, अब देखो कितना मस्त खूबसूरत हम लोग को बन रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये देखो, ये मल्टी लेवल यहाँ पे खेती करी जाएगी, ठीक, मल्टी लेवल खेती करी जाएगी, और यहाँ पे हम लोग वो करेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ आयरन फार्म बनाएंगे। आगे चल के पता है, मतलब हम एकदम हवा में पूरा कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है, नीचे हमने कोई कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करना। और हाँ गाइस, थैंक्स फॉर व्यूइंग माय वीडियो पे व्यू बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब हमको लग नहीं रहा है कि इतना बढ़ेंगे, कैसे बढ़ गए मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट हाँ बढ़ रहे हैं। तो या आई काइंड ऑफ लाइक इट, थैंक्स गाइस फॉर डूइंग दैट, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हम, ठीक है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वीडियो को लाइक करने के लिए और व्यू बढ़ाने के लिए, ऐसा ही बना रहे आपका प्रेम, और आगे चलते जाए, देखते जाए कि कैसे कैसे चीज़ें बढ़ते जाती है, ठीक है। ओके, हाँ, तो पता है पिछली बार क्या हुआ था ना, कि यहाँ पर वो सब स्पॉन हुआ था, क्या कहते हैं, यहाँ पर वो ये जो पिलेजर नहीं होते सारे, वो सब स्पॉन हुए थे, पर पता नहीं कहाँ चले गए वो, हमने उनसे फाइट नहीं ली। अबे क्या फ़ाइट ले यार, देखो आप भूखा नंगा की तरह घूम रहे हैं, ना मेरे पास कपड़े हैं, देख रहे हो, यहाँ पर कपड़े भी नहीं है मेरे पास, ये देख रहे हो, ना कपड़े है, ना आर्मर है, ना अच्छा आर्मर और कपड़ा एक ही होता है, ठीक है, और ना इसमें मेरा पेट भरा हुआ है, हेल्थ भी नहीं है, तो हमने उन लोगों से फाइट नहीं ली, क्योंकि पता है बैड ओमेन मिल जाता है, बैड ओमेन मिलने के कारण हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। और बताइए कैसा है, आज 28 तारीख हो गए हैं, 28 जनवरी सुबह के 9:52 हो रहे हैं, ठीक है, और कल हम थोड़ा सा देर रात से सोए थे, तो देर रात से सोने के कारण थोड़ा देर से उठे थे, और इसी कारण है कि मेरा आज सुबह का मतलब थोड़ा बहुत हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। अरे भैया पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं तो यहाँ वीडियो में बात क्या करेंगे, हमने बोला था ना कि नॉलेज भी शेयर करते रहेंगे और पढ़ाई लिखाई भी करते रहेंगे, सो हमको मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाई लिखाई करते रहना चाहिए। और पता है मेरे पता है वीडियो उम्मीद से ज़्यादा हो रहा है, मतलब व्यूज बढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है, मतलब लोग पहले जितना वीडियो देखते थे उससे ज़्यादा लोग वीडियो देख रहे हैं, और मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा मतलब कि लंबे समय तक वीडियो देखा जा रहा है, सो आई काइंड ऑफ लाइक इट, सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो या आई थिंक आई एम हैप्पी फॉर इट, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अरे यार कितना लोगों को तो पता है, साल दो साल लग जाता है, ठीक है, साल भर का तो टाइम नहीं है अपने पास, लेकिन या आई काइंड ऑफ लाइक इट, ठीक है। ये देखो खुदाई कर रहे हैं, देखो कितना मस्त इंटरटेनिंग, अब ऐसा कंटेंट पे आपको कितना मिलियन नहीं ट्रिलियन ऑफ व्यू मिल जाएगा, ठीक है, देखो पूरा यूट्यूब लैग कर जाना चाहिए। कोबल स्टोन खोद रहा है बंदा। तो हाँ, तो मतलब सुपर एक्साइटिंग है, आई थिंक आई काइंड ऑफ लाइक इट, राइट, आई काइंड ऑफ मज़ेदार है। देखो पता है क्या, हम इसको पता है हमें एडिट करके इसको खूब एकदम पढ़ाती जो पूरा एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं हम उसको डाल सकते हैं, ठीक है, बट बात क्या है ना कि बीच बीच में बात नहीं कर पाएगा, मेरे को बात करने में बहुत मज़ा आता है, मेरे दिन का पता है वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टाइम ये होता है, ठीक, मेरा दिन का सबसे फेवरेट टाइम में से एक है ये वीडियो बनाना। कल हमने वीडियो बनाया नहीं था इसलिए मेरे को पता कल थोड़ा सा आराम करना था यार, मतलब हर दिन वीडियो बनाते बनाते ना मैं थोड़ा सा हो गया था, मैं 11 दिन से लगातार वीडियो बना रहा था, ठीक है, तो लगातार वीडियो बनाने के कारण ना आपको थोड़ा सा वो हो जाता है, हल्का सा थकान जैसा हो जाता है, ठीक है, जैसा आपको लग रहा होगा कि आसान है, उतना आसान तो नहीं है वीडियो बनाना, ठीक है,
वीडियो बनाना होता है, फिर वीडियो को एडिट करनी होती है, तो थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना हम लोग कि आप सब्सक्राइब कर दिया करो, चीज़ें मतलब अपना बढ़ा करेगा, ठीक है। ठीक है, अभी मेरे को क्या था कि अभी हम लोग पहले सुनो, पहले थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं, ठीक है। खाने पीने का कुछ नहीं है, उसके पास पता है हमको वो चाहिए, क्या कहते हैं, पता है ये हम मशीन जो भी जनरली मशीन बनाने हैं ना, मशीन हम कमरे के पीछे नहीं पर्दे के पीछे बनाएंगे, ठीक है, मशीन बनाएंगे, क्योंकि यार मशीन सामने बनाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक। अरे यार इनको भूख लगा हुआ है यार, ये देख रहे हो, अब हम अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो पता क्या होगा, अंदर चले जाएंगे ना तो एंटिटी क्रैमिंग हो जाएगी। आपको पता है एंटिटी क्रैमिंग क्या होती है, हम बताते हैं। सुनो पहले एक मस्त वो देखो, पता है पहले मस्त सनराइज़ का मज़ा लो, ठीक। क्या है, एक मिनट यार, थोड़ा सा हम लोग को वो भी चाहिए था, एक मिनट को यहाँ पे ऐसे कर देंगे ना, तो मेरे को यहाँ पे 6 7 42 वाह कितना मस्त यार है सनसेट है, आई लव इट मैन, आई रियली लव इट, ठीक। अब यहाँ पे आयरन गोले में स्पॉन ना हो ना जहाँ तहाँ यदा कदा, तो मैं इसको ये कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दूँगा। यार पता नहीं क्यों स्पॉन करने लगता है यार आयरन गोले में यार, ठीक है, यदा कदा जहाँ तहाँ स्पॉन करने लग रहा है आयरन गोले में, ठीक है, तो इधर उधर ना स्पॉन करे, तो इसलिए मैं इसको ये लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ज़ॉम्बीज है, मतलब देखो मेरा आयरन फार्म ब्रोकन है, हम मानते हैं, ठीक है, मेरा आयरन फार्म फिलहाल के लिए ब्रोकन है, बहुत मतलब सही नहीं है आयरन फार्म, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा आयरन फार्म में मतलब कि आयरन नहीं निकल रहा, आयरन निकल रहा है, थोड़ा सा स्लो है थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब काम चला हुआ है, ठीक, काम चल जा रहा है। देखो कितना मस्त सुहानी शाम है, ठीक, वाह आई लव इट मैन, यही तो ज़िंदगी का मज़ा है यार, कि खूबसूरत चीज़ें देखने से लाइफ थोड़ी सी और सुकून वाली हो जाती है थोड़ा सा, मतलब इधर आते तो यार इधर लगता है पूरा भीड़ है, ये देख रहा मतलब पूरा का पूरा भीड़। अभी देखो अभी उधर कोई आयरन गोलम नहीं स्पॉन हुआ, ठीक है, अभी मैं जाऊँगा सोने के लिए, ठीक है, तो मैं सोया और जैसे ही हम सो के उठेंगे, ठीक है, देखो कोई ना, देखो आयरन गोलम स्पॉन हो गया, ये अब इसको पता है इसको ऑटोमेटिक किलिंग के लिए ना मेरे को लावा हुआ चाहिए, फलाना दिखाना चाहिए, तो वो तो मेरे पास फिलहाल के लिए नहीं है, इसलिए हम इसको ऑटोमेटिकली तो किल नहीं कर पा रहे, इसको मेरे को ऐसे मैनुअली किल करना पड़ता है, ठीक। आ जाओ बेटे, ओके, ये है स्पीड रनिंग, मर जाए यार मर जाए। देखा ऐसे हम लोगों को आयरन मिलता है, ठीक है, 14 आयरन था, अब मिल जाएगा कितना आयरन, 17, 3 आयरन मिल गया, ठीक। हर सुबह पता है थोड़ा सा आयरन मिलता है, पता है इसमें आयरन गोलम के बारे में, स्लैब जो होती है ना स्लैब के ऊपर आयरन गोलम स्पॉन नहीं करता, इसलिए हमने हर तरफ स्लैब लगा दी, स्लैब जो है कॉपरस्टोन स्लैब, उसके ऊपर आयरन गोलम स्पॉन नहीं करता, तो यहाँ जगह बचा नहीं है, और यहाँ विलेजर को बचाने के लिए आयरन गोलम स्पॉन करता है, ऑटोमेटिकली गेम का मैकेनिक ऐसा है, तो इसलिए उसने वहाँ पे स्पॉन किया, नीचे भी पूरा स्लैब ही भरा हुआ, तो आई भी आयरन गोलम इधर ही रहेगा, तो मतलब मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, फिलहाल के लिए मेरे पास कितना 17 गो आयरन है, ठीक है, तो आयरन मिल गया है ना, तो आगे चल के बहुत सारी चीज़ें करनी है, मेरे को बहुत ज़्यादा आयरन चाहिए ऑटोमेटिक प्रोडक्शन के लिए, मतलब आयरन बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और फिलहाल के लिए यहाँ पे मतलब कि वीट की खेती कर लेते हैं, तो चलो आ जा बेटा, देख रहे हो कितना मस्त कंटेंट है, खेती कर रहे हैं यहाँ लोग, यूट्यूब वीडियो में बहुत बड़ा से बिल्ड बनाते हैं खेती, पता है प्रॉब्लम क्या है ना कि डेली वीडियो डाली, ठीक है, डेली वीडियो डालने में क्या होता है ना कि हम उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं कर पाते, हम कोशिश तो करते ही यार, मतलब आई रियली ट्राई इट, लेकिन डेली वीडियो कैसे हो जाएगा यार, इसलिए बोलते हैं यार सब्सक्राइब कर दो तो थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाया करेगा, थोड़ा सा मतलब कि आई वुड रियली लव टू बी मोर अप्रिसिएटेड, सबको अच्छा लगता है, मतलब आपको भी पता है कि कितना टाइम तक ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को मतलब जुगाड़ करने में कितना टाइम लग गया, कितना मेहनत लग गया, तो अगर जो लोगों को वीडियो अच्छा लगे, अगर जो बता रहे कोई ज़बरदस्ती नहीं भाई, मने तो लगा करो, नहीं माने तो भाई कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर देगा, ठीक है, सो दैट एक्स काइंड ऑफ एज अप्रिसिएशन फॉर मी, राइट, ओके, तो ओके, तो पता है अभी इसमें मेरा टारगेट क्या है ना, अभी हम पता है ऑफ कैमरा ना, ऑफ कैमरा हम वो बनाएंगे, क्या कहते हैं, ऑफ कैमरा हम बनाएंगे, एक मिनट रुको यार, ओके यार पता है हम यहाँ पे सोचे थे ना कि यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लें, यहाँ पे इस जगह पे हमें एक नेदर पोर्टल बनाना चाहते हैं, नेदर में जाना ज़रूरी है, ठीक है, नेदर में जाओगे नहीं तो काम नहीं बनेगा, ठीक, ये देखो वाह देख रहा हूँ ऑटोमेटिक नेदर, पता है नेदर के जाने के लिए हम लोग ना पता भी बनाते हैं, ठीक है, उधर जाने के एक नेदर का हम लोग बनाएंगे, वहाँ से जाएंगे सोल सेल लाएंगे, मस्त अपना वो एलिवेटर बन जाएगा, ठीक, ये भर गया यार, ये भर गया है, ठीक है, पता है आलू से चिप्स बनते हैं,
ये तो सबको पता होगा, लेकिन क्या पता नहीं है ना कि जो चिप्स होते हैं ना, ये चिप्स कंपनी वाइज मतलब वो मतलब फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कई लोग ना वो होता है, क्या कहते हैं, कोई कंपनियां जो बहुत मतलब कि बड़ी कंपनी होती है, जैसे तुम्हारा लेज हो जो, वैसे लेज में भी पता है, लेज का भी उतना मतलब चिप्स की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो गई है, ठीक है। अरे यार मेरे को इसको फेंकना होगा, ठीक है चलो जाओ, ठीक। तो जैसे लेज वो है ना, लेज वो की क्वालिटी जो है ना अपना मतलब क्वालिटी कम हुई है। आप कभी देखना लेज के चिप्स है ना, मतलब कि यहाँ पे उतने अच्छे नहीं रहते हैं, जितना अच्छा क्वालिटी का जो माल होता है ना वो अमेरिका में वो लोग मतलब एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। यहाँ इंडिया में पता है, इंडिया में लोग बेहतरीन क्वालिटी का जो चाय बनता है, हम लोग चाय बनाते हैं जो अपना नॉर्थ ईस्ट साइड में है, आसाम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट साइड में जो इंडिया का जगह है, ठीक है, भारत का, तो वहाँ पर पता है वहाँ पर जो बेस्ट क्वालिटी की जो चाय होती है ना वो विदेशों में भेज दी जाती है, ठीक है। और जो बचती है, जो इधर उधर का नीचे का बचता है, ठीक है, तो वो हम लोग अपने देश में करते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि पता है उसका बहुत पैसा मिलता है, ठीक है। विदेशों में जो हम लोग हाई क्वालिटी की जो चाय पत्ती होती है वो जो बेचने के बाद से जो पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट क्वालिटी का माल बाहर भेज देते हैं और घटिया क्वालिटी का माल जो है ना वो यहाँ रखते हैं, ठीक। अब मेरा पता है आपको लगता है ना कि डेयरी मिल्क की जो टॉफ़ी होती है, डेयरी मिल्क जो चॉकलेट होती है, चॉकलेट नहीं है यार वो, एक बात याद रखना, ठीक है। डेयरी मिल्क अपने नाम में देखना चॉकलेट नहीं लिखता, देखना जहाँ उसने चॉकलेट लिख दिया, जहाँ किसी भी चॉकलेट की कंपनी ने ये लिख दिया कि मेरे पास चॉकलेट है, मेरे मतलब टॉफ़ी में, मेरे चॉकलेट में चॉकलेट है, क्या बोले उसको यार, तो उसको बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, उसको इतना ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा ना कि क्या बताए। इसीलिए लोग ना, इसीलिए लोग चॉकलेट चूंकि एक लग्जरी आइटम, गिर गए बच्चे, गिर गए, कहाँ गया है वो, बताओ यार तुम बताओ कहाँ गया, ठीक है। यहाँ से लाओ इसको यहाँ पे करके ना, इसको यहाँ थ्रो कर दे रहे, ठीक। चलो खाना के हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे जुगाड़ कर रहे हैं, ठीक। बाप रे बाप, ये सब पता है, ये सब जो हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं ना, ये सब तुम्हारा वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक। ये सब ऑटोमेटिक प्रोडक्शन के आगे चल के ना हम बहुत सारा प्रोडक्शन को ना एकदम रिवोल्यूशनाइज कर देंगे, एकदम आग लगा देंगे, ठीक है, आगे लगा देंगे डायरेक्ट। 17 को मिला यार, इतना कम खाना क्यों मिल रहा है यार, कुक्ड पोटैटो। मेरा मन कर अभी नेदर में जाएं, ठीक है, अभी मेरा मन कर रहा है नेदर में जाएं और खूब सारा, पता है ये मेरा मन कर रहा है कि खूब बड़ा सा एकदम फार्म बनाएंगे, ठीक है। आगे चल के हम बताया मतलब अभी पता है ये सब एपिसोड के बाद से ना ऑफ कैमरा जो जब माइनिंग वाइनिंग करेंगे ना, तो ऑफ कैमरा माइनिंग में हम यहाँ पे एक ऑटोमेटिक फूड का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी देखो यहाँ पर खेती बाड़ी तो हो रही है, ठीक है, 4 लेवल ऑफ मल्टी स्टोरी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 लेवल की खेती हो रही है, ठीक है, खेती हो रही है। यहाँ पर आयरन की प्रोडक्शन हो रही है, लोहा बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है, चलो सही है। अब आगे चल करके ना मेरे को खाना करना एकदम ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करा, उसके लिए मेरे को रेडियोस्टेशन चाहिए, रेडियोस्टेशन के लिए मेरे को अंडरग्राउंड जाना पड़ेगा, अंडरग्राउंड के लिए मेरे को वो चाहिए, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, मेरे को हम बम बम बनाना चाहते हैं, ठीक है। हम मतलब ऐसे नहीं करना चाहते कि बैठ करके जैक होते हैं, हम भी एकदम नीचे एकदम खुदाई उदाई करना चाहते हैं, ठीक है, मशीन बना के ऑटोमेटिक TNT डुप्लीकेटर लगा करके नीचे एकदम वो सब बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगले एपिसोड में होगी, फिलहाल के लिए देखा जाएगा, बोल तो दिए हैं लेकिन ये इसको सीरियसली मत मान लेना, ठीक है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब थोड़ा टाइम लेंगी, ओके। फिलहाल के लिए तो मैं अभी चलता हूँ, थोड़ा सा और खेतीबाड़ी कर लेते हैं और देखते हैं आज क्या क्या किया जा सकता है, ठीक। वाह देख रहे हो, लहलाता फसल है, मेरे देश की धरती, सोना उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। पता है लोग मतलब कि कई लोग जो होते हैं जो लिबरल हैं, जो मतलब कि नए जनरेशन है, नई पीढ़ी के लोग हैं, वो लोग नहीं समझते हैं कि जो आज़ादी है ना, ये आज़ादी बहुत कीमती है भाई। एक शेर याद आ गया है कि लिपट कर तिरंगे में कई बदन आज भी आते हैं, यूं ही नहीं दोस्तों हम आज़ादी मनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आज़ादी है ना, ये बहुत कीमती है भैया, कितना लोगों ने बलिदान किया है अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए। असल आज़ादी ऐसी चीज़ होती है ना कि जब तक छिन नहीं जाए ना, तब तक लोगों को उसका वैल्यू समझ में नहीं आता है, ठीक। हम यहाँ सत्संग शुरू कर दे रहे हैं लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझिए, ठीक है। ये जो आज़ादी है, जो देश आज़ाद हुआ था ना अंग्रेजों से, इसके लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी थी, ठीक है। कायदे से कहे यार, गांधी जी ना, कई लोग गांधी जी के विचारधारा का खिलाफ भी हैं, कई लोग मतलब सपोर्ट भी करते हैं, कई लोग बोलते हैं कि गांधी जी अगर जो नॉन वायलेंस की जगह वायलेंस का रास्ता अपनाए होते, अहिंसा की जगह हिंसा का रास्ता अपनाए होते, तो हम लोग थोड़ा सा जल्दी आज़ादी पा जाते। मतलब कह लो देखो, 1922 में चौरी चौरा कांड जब हुआ था, देखो असहयोग आंदोलन चालू हुआ था 19 के अराउंड, ठीक।
तो गांधी जी ने बोला था कि हम क्या करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस एक्ट करेंगे, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस एक्ट आपको बताएंगे आगे चल के हम कि क्या था। सिविल डिसोबीडियंस एक्ट में क्या था कि हम सरकार का मतलब खुखला कर देंगे, ठीक है। हम जो नमक है, नमक पे मतलब जैसे टैक्स लगता था, ठीक है। अब नमक ही क्यों चुना गांधी जी ने, नमक एक ऐसा मतलब कि प्रोडक्ट है, नमक अमीर भी यूज करते हैं, गरीब भी यूज करते हैं। तो गांधी जी का जो ये सब था ना, कि गांधी जी का प्लान था कि पूरे देश को, पूरे के पूरे देश को हम लोगों को एकता में जोड़ना, ठीक है। तो नमक ऐसा चीज़ है यार कि तुम साला गरीब हो अमीर हो, तुम मतलब नमक तो यूज करोगे, ठीक है। तुम हो सकता तुम सोना ना यूज करो, तुम चांदी ना यूज करो, या फिर तुम लकड़ी उतना ना यूज करो, लेकिन नमक पे यार नमक सबको यूज करता है, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला था कि आप हमारा आप असहयोग कीजिए, हम लोग अपने से नमक करेंगे। तो साबरमती का जो दांडी मार्च हुई थी उसमें मतलब कि गांधी जी साबरमती आश्रम से गए थे नमक को, पता है कितना बहुत किलोमीटर चले थे वो लोग नमक का प्रोडक्शन के लिए, जो नमक का जो समुद्र का, देखो नमक समुद्र के किनारे मिलता था, ठीक है। नमक जो है, नमक कैसे मिलता है, समुद्र के जो पानी होती है बहुत खारा होता है, लोगों को तो खारा पानी है, ठीक है। अरे गिर गया, अरे यार गिर गिर के मरे जा रहे सलाम तो हम मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आज़ादी बहुत कीमती है भैया, इसका थोड़ा कदर करो, ठीक। और अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग अमेरिका को हरा करके विश्व में पांचवी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। उनको हजम नहीं हो रहा है ये बात है, वो अंग्रेज़ों को ना हजम नहीं हो रहा है ये बात कि हम लोग उनको कैसे हरा सकते हैं, ठीक है। एक उनके द्वारा शासित है ब्रिटेन, यार ब्रिटेन के लोगों को पता है क्या सोचता है, ब्रिटेन के लोग ये सोचते थे कि हम हमारी जो सभ्यता है, हमारा जो तौर तरीका है, जैसे ब्रिटेन जैसे अंग्रेजी को जो तौर तरीका है, वो लोग सोचते थे ना कि हमारा तौर तरीका बेस्ट है, ठीक है, हमारा तौर तरीका बेस्ट है, और हमारा ये जिम्मेदारी है क्योंकि हम बेस्ट आदमी हैं, हमारा रीति रिवाज क्या ही होता था तुमको भी पता है, ठीक। वो क्या है वैसे, उधर क्या है यार, उधर कुछ मेरे को दिखा था आया पता नहीं क्या, ठीक है। तो अमेरिका का नहीं, ब्रिटेन का एक ये था, ब्रिटेन पता है अमेरिका भी को भी कब्जा लिया था 1776 में, आज़ादी मिली थी अमेरिका को। ये एक चीज़ देखना है कि जो देश पहले आज़ाद हो गए ना, जो देश पहले आज़ाद हो गए हैं वो ज़्यादा आगे निकल गए हैं, हम लोग उतना पहले आज़ाद नहीं हो पाए इसलिए हम लोग उतना आगे नहीं निकल पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पिछड़ जाएंगे। 1947 में दो देश आज़ाद हुए थे, 1947 में 1947 में दो देश आज़ाद हुए थे, एक चांद पे पहुंच गया और एक बॉर्डर पार करने की कोशिश करता है यू नो व्हाट आई मीन, ठीक है। देखो हम बहुत बड़े देशभक्त नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है, ठीक, जो सच है वो सच है यार, अपना देश कहीं आगे निकल गया, ठीक। हम लोग यार कई देशों को हेल्प करते हैं, और यहाँ पे कुछ थोड़े से उस टाइप के देश है जो दूसरे के लिए हेल्प के लिए बार बार बोलते रहते हैं। सो आपको पता है हम किस देश का बात कर रहे हैं, ठीक। ओके चलो सोते हैं, ठीक है, चलो बेटा। हाँ मेरे ख्याल से पता है यार, हम अपना बेड वेड ना थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इतना दूर जाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक। ये जो बेड वेड है ना, देखो बहुत दूर है मेरा बेड, बहुत दूर चला पड़ रहा है, ठीक, इतना दूर नहीं चलेंगे, नेक्स्ट बार हम लोग कहीं और अपना बेड कर लेंगे। बार में मेरे को लगता है पता है कि कोई स्पाइडर का ये आँख है, मेरे को हमेशा लगता है, लेकिन पता है ये साइड अंदर में ना वो है, क्या कहते हैं, कितना ये लोग हल्ला मचा रहे हैं यार, काऊ जो है ना कितना हल्ला मचा रहे हैं तो चलो सुनो, अब की बार क्या करते हैं हम लोग अपना बेड, मेरे को पता है वो सब भी लाना होगा, क्या कहते हैं, सीप्स ये सब फार्मिंग भी करनी होगी। अभी पता है आज हम लोग ना नेदर में चलेंगे, ठीक है, नेदर में चलते हैं, देखते हैं क्या हाल है अपना, नेदर में चलेंगे देखेंगे कि क्या पता, इसमें एक कोई ना कोई एक अभी यहाँ पर कुछ ना कुछ आया होगा, देखो अभी आयरन फार्म, एक आयरन गोलेम तो आया होगा जहाँ तक हम जानते हैं, कहीं गया होगा साला आयरन गोलेम, कहाँ बच्चे आयरन गोलेम कहाँ है, आज आयरन गोलेम नहीं है यार, आज आना भूल गया क्या यार, पता है वीडियो में बोलते हैं कि ये आयरन फार्म बनाओगे तो खूब सारे वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, आयरन मिलेगा आपको पर मंथ, यहाँ कहीं नहीं ससरा कोई मिल रहा आयरन, ठीक है, कहाँ कोई आयरन गोलेम मिल रहा, देख रहे हो हमें तो नहीं दिखा यार, अरे यार हर सुबह हम आयरन लेने के आए थे अपना कुल्हाड़ी को लेकर के, अब देखो कहीं कोई आयरन गोले में ये नहीं है, एक साल दिमाग खराब कर देता है। ओके सुनो, तो हम लोग यहीं पर अपना बेड लगा लेते हैं, क्यों साला, चलो यहाँ पे अपना रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट हो गया है, ठीक। ओके आज चलेंगे नेदर में मेरे पास खाना है कि नहीं है, खाना तो है पर्याप्त खाना, आई थिंक वी हैव इनफ फूड फॉर टू सर्वाइव इन द नेदर, ठीक है। ओके ऐसे करके फिर ये
तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि आप थोड़ा सा शुक्रगुजार रहिए उन लोगों का जो कि आपके लिए बलिदान दिए हैं, ठीक है। वो एक गाना बहुत अच्छा गाया था, मतलब कि गाना ही क्या था, वो एपिक था वो लता मंगेशकर जी ने, कि मेरे वतन के लोग हो, ठीक है। जब देश में थी दिवाली, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, ठीक है। तो मतलब यार ये जो देशभक्ति है ना, ये आपको हमेशा इसका कदर करना चाहिए, ठीक है। इसका कदर कैसे करोगे, अपने देश को आगे बढ़ा करके, ठीक है, अपने देश के आगे बढ़ा के, अपने देश के लोगों को, और देश के पता देशभक्ति करने से नहीं, हल्ला मचा रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम मतलब हम बहुत महान हैं। तो महान हो, ठीक है, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी महानता में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है बताएं, प्रॉब्लम ये है जब तुम प्रॉब्लम को इग्नोर कर लेते हो, ठीक है। तुम प्रॉब्लम को इग्नोर कर दो, देश का जो हालात है, देश में मान लो अगर जो कुछ भुखमरी की जैसे हालात है, गरीबी है, बेरोजगारी है, ठीक है, तुम उसको इग्नोर कर देते हो, ठीक है, इग्नोर ना करो, ठीक, डू नॉट इग्नोर द प्रॉब्लम्स, राइट। आ जाओ अब यहाँ से पता हम जाएंगे ऊपर जाएंगे, ठीक। मेरे पास वो है, ठीक है, कहाँ गए, यहाँ से हम लोग अपना ऊपर चले जाएंगे, यहीं पर मेरे कौन, अरे कितना आवाज़ कर रहा है यार, ये चला जाए क्या आगे चल के। मेरे पास वो तो नहीं है, देखते हैं, नहीं मेरे को आयरन नहीं खोना यार, आयरन बहुत कीमती होती है यार, साला। एक मिनट को पेट वेटेड फीसर प्लेट बेन ऑफ आर्थर पॉडसनो, इसको हम लोग इसमें कर देते हैं, मरेंगे तो कम से कम यही सब फालतू फालतू चीज़ें होगा ना, बेकार, ये सब चीज़ें तो बेकार नहीं होंगी, ठीक। मतलब हो सकता है कि लावा में गिर के मर जाएँ वगैरह वगैरह, आई डोंट नो, ठीक है, क्या ही पता। बगल में बेस है तो, अरे अरे अरे, व्हाट द फक, यही चुतिया पे, पता है यही चुतिया पे कारण माइनक्राफ्ट से हमको कभी कभी नफरत हो जाता है, चुतिया साला, फकिंग दिमाग खराब कर रख दिया साला, व्हाट द फक यार, ये व्हाट द फक, वहां पे क्रीपर कहां से आ गया, अरे साला दिमाग का चुतिया कर दिया, दिमाग खराब कर दिया। ये कौन सी मौत होती है यार, मारो तो यार कुछ, देखा देखा ये सलन नौटंकी होती है, वहाँ पे क्रीपर क्या कर रहा था ये बताओ हमको, तो कहाँ गया मेरे साथ, अरे लावा में गिर गया क्या, लो लावा में चला गया, मेरा सारा सामान बंटाधार हो गया, इसीलिए साला, इसीलिए दो कौड़ी का गेम से को गुस्सा आता है साला, देख रहे हो सारा सामान चला गया मेरा, हम ऐसे किए थे पता, हम सीढ़ लगा के किए थे, लेकिन जब तक हम देख पाए कि क्या हुआ तब तक वो हो गया, ठीक, यही चुतिया पे। अच्छा वो सर हमने आयरन वायरन वहाँ पे बाहर रख दिया था, 17 आयरन है, बहुत मुश्किल से मिला था, ठीक है, हमने वो भी रख दिया था यार, चुतिया का साला दिमाग खराब कर दिया। वो क्या है वैसे, नेदर फोर्ट्रेस है क्या वो, बाकिंग बताओ, सारा सामान चला गया मेरा यार साला, टंकी का हाथ होता है, देख रहे हो सारा मेरा सामान चला गया यार, कुछ बचा ही नहीं हुआ, ये देखो तो ना यार, एक गोल ले लेते हैं, एक ये ले लेते हैं और चलते हैं फिर अपना बनाते हैं, डिफॉरेस्टेशन शुरू करते हैं, फिर अपना लकड़ी उकड़ी लेकर के आते हैं, और मैं गुस्सा आता है यार, ये नोटेंगे, तुमको भी पता है ये चुतिया पाया है, तुम नेदर डिमेंशन में ये क्या कर रहा है, अब मेरा सामान खो गया है तो फिर मतलब कि, अरे यार मेरे को रोना आ रहा है यार, इतना मेहनत से कितना सारा खाना वाना इकट्ठा किए थे, तो ऐसी भुखमरी की हालत है, अभी मशीन वशीन हमने नहीं बनाना शुरू करा है, ठीक है, अभी मशीन वशीन कहाँ हमने बनाना शुरू किया है, ये नेदर देखो यहाँ पे लावा बहुत सारा है यार, अब सला ऐसी जगह स्पॉन किया कि आसपास कुछ चलने के लिए कुछ है भी नहीं, हाँ कुछ चलने के लिए, देखो नेदर क्वार्ट्ज है, वो सभी पता है आगे चल के मशीन वशीन में बनाएंगे, चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, चुतियापा है ये, इसलिए पता यही चुतिया पे कारण हम हार्डकोर मोड नहीं खेलते, यही चुतिया पे कारण हम हार्डकोर मोड को नहीं खेलते, कितने लोगों को पता डेथ ऐसे हो जाता है ना कि साला लगता ही नहीं है कि कैसा डेथ हो गया, ठीक, मतलब अजीब लगता है भाई, यार मर गया साला करेक्टर, ये कितना स्लोली स्लोली उठ रहा है, ठीक है, सारा सामान चला गया यार, अब हमको लगता पता ऑटोमेटिक फार्म नहीं बनाएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक, ऑटोमेटिक फार्म जाना हम आइटम डुप्लीकेशन पता नहीं शायद करें ना करें, मेरे ख्याल से नहीं करेंगे, लेकिन मेरा दिमाग खराब हो जाएगा तो वो भी करेंगे यार, चला गया दिमाग खराब हो गया, कहाँ गया, अब आयरन गोलम भी आज का स्पॉन नहीं हुआ, ठीक, मेरा पता है वो आयरन का पिकैक्स था, थोड़ा बहुत हिट पॉइंट था, वो भी चला गया और ये भी चला गया, चला यार अब क्या बैठ करके कद्दू उखाड़े दिमाग खराब कर रहे हो, चला कुछ ही नहीं यार यहाँ पे कहाँ गया यार, लकड़ी कुछ थोड़ा सा लकड़ी ले लेते हैं, क्यों थोड़ा सा लकड़ी लेते हैं,
मेरे ख्याल से कई सारे फार्म्स हाउस बनाने हुए, क्यों यार बिना फार्म्स का काम नहीं चलेगा। ये तो वैसे आ जाओ 64 हो गया, ठीक है फिर वही और क्या, चलती का नाम जिंदगी है, चलाओ सारा जिंदगी। सारा कोयला वेला चला गया मेरा, सारा उतना सारा खाना चला गया मेरा, कुछ बचा ही नहीं है। कितना सारा कोयला वेला लाया था हमने, कोयला वाला पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक आयरन गोलेम भी नहीं स्पॉन हुआ आज, यहाँ पे आयरन गोलेम स्पॉन करना था, आयरन गोलेम साला नहीं स्पॉन हुआ, पता नहीं क्या उसको हो गया, मिरी ही हो गया साला। देख रहे हो वो भी नहीं स्पॉन किया है, कहीं नीचे तो नहीं गिर गया साला, है नहीं गिरा, छोड़ो कोई बात नहीं, छोड़ो यार अभी पता आगे चल के हम इतना पावरफुल बन जाएंगे, इतना पावरफुल बन जाएंगे ना कि देख लेना कि हम बहुत एकदम ताकतवर बन जाएंगे। ठीक है आगे चल के मतलब खूब पावरफुल बनेंगे। ठीक ये तो तुम्हारा मतलब 12वां एपिसोड है, सो इट्स काइंड ऑफ 12th एपिसोड, सो प्लीज़ डोंट थिंक ऑफ दैट। बट हाँ आके यार देख रहे हो ऐसा लग रहा है कि कोई कपड़े उतार लिए हमारे, कुछ है ही नहीं यार यहाँ पे, देख रहे हो कुछ है ही नहीं, सारा सामान खो गया। अब क्या है मेरी अभी इससे क्या करेंगे यार, तुम लोग हो क्यों कर रहे हो यार तुम लोग यार, चुप चलो अब हम अंदर नहीं जाएंगे। ठीक ये लोग मरने लगेंगे ने पता नहीं किसको गए कि इसको खाना मिल रहा है क्या मिल रहा है मेरे को नहीं पता पता मेरे को लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई लेवल ऐसा है जिसमें हमने खेती बाड़ी नहीं करी है। क्यों एक मिनट यार देखो ये वाले लेवल पे हम लोगों ने खेती बाड़ी नहीं करी है, सेकंड वाले लेवल पे। ठीक ओके सेकंड वाले लेवल पे खेती बाड़ी नहीं की तो हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, क्या करते हैं एक मिनट भाई यहाँ पे ऐसे जाके खेती बाड़ी कर लेते, थोड़ा सा खाना वाना हो जाएगा, खाना वाना चला गया ना बर्बाद हो गया अपना। ठीक है अपना जो 20 साल खाना वाना तो बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये बता यही नोटंकी कारण है, यही नोटंकी कारण ना हम नहीं खेलते हैं, ये यही नोटंकी कारण हम हार्डकोर मोड नहीं खेलते हैं। चला कुछ भी चुतियापा कभी भी हो जाएगा। ठीक वहाँ पे वो क्या कर रहा था क्रीपर, ठीक है यार मेरे को पता है सिल्डवा में आगे कहीं नहीं गया यार, या फिर हमने किया नहीं था पता नहीं क्या बोलते, लेकिन कुछ तो हुआ था। अब देखो क्या बचा है खाना, अब इतना बचा है बैठ करके, अब इसको ऐसे करो ऐसे करो, ये सब पता है ये सब ऑटोमेटिक कर देंगे। ठीक है जितना मशीन ऑटोमेटिक है ना आगे चल के ऑटोमेटिक प्रोडक्शन करेंगे और आगे चल के कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बनाने के लिए कई सारी मशीनें हैं, बातचीत करने के लिए कई सारी चीज़ें, ओपन वर्ल्ड गेम है, बहुत सारा चीज़ वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करना है। तो इट्स काइंड ऑफ फन आई थिंक, इट्स काइंड ऑफ फन। ओके ओके और इसको फिर हम लोग ना ऐसे ऐसे कर देते रहो। देखो अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे आ गए हैं, ठीक है मेरा सामान वामान खो गया है ना, तो हम लोग अभी थोड़ा सा वो तो सुनो ना वो तो अच्छा हुआ था कि हम लोगों ने वो क्या कहते हैं नेदर पोर्टल में जाने के पहले हम लोगों ने वो कर लिया था, क्या कहते हैं आयरन डाल दिया था, हमको अपने पे भरोसा था अपने फालतू किस्मत पे, मेरे किस्मत कितना झंड है ये हमको बहुत अच्छा अच्छे से पता रहता है। ठीक है इसलिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को उम्मीद करते भी नहीं है। ठीक है अच्छा बात है यार हम लोगों ने वो जो आयरन है उसको चेस्ट में रख करके अंदर गए थे, अगर जो नहीं रखे होते तो सोचो सारा का सारा 17 आयरन बर्बाद हो जाता। ठीक है और आयरन वायरन यहाँ बहुत मुश्किल से मिलता है भाई, मेरा बता दे रहे हैं आयरन वायरन बहुत झमेला होता है तब मिलता है। ठीक है इतना आसानी से आयरन नहीं मिलता है, सो आई थिंक ओके। तो चलो सुनो बताया एक सुबह और रह लेते हैं, कल सुबह देखते हैं आयरन गोले में स्पॉन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है नहीं करेगा तो कुछ और आयरन फार्म बन जाएगा। पता है यहाँ पे भी रात को ना कहीं कोई लाइट जला था, मतलब ख्याल से यहाँ पे कोई गांव बसा हुआ है इस एरिया में, मेरे को वजन क्लियर तो पता नहीं है, लेकिन यार ये सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। ठीक है मतलब ये पूरा दुनिया में हम अकेले हैं, ये अकेलापन हमको नहीं अच्छा लगता सही बताया तो, मतलब बहुत ख़राब लगता है यार, मतलब आई डोंट वांट टू बी अलोन, अकेले रहना मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। मतलब हम पता है हमको हम दिखाते सबको देखो बंदा सख्त है लौंडा सख्त है हम अकेले रह लेंगे, बट ऐसा नहीं यार अकेले रहने में हमको नहीं मजा आता यार, अजीब सा घुटन जैसा लगता है, लेकिन अब नसीब ही ऐसी कि साली अकेले रहना पड़ता है तो वो है, लेकिन तो ये वर्ल्ड में पता है ये वर्ल्ड में पूरा दुनिया में ना हम अकेले हैं। ठीक है तो थोड़ा अजीब लगता है, कितना सन्नाटा एक डरावना लगता है ना, एक अकेलापन एक डरावना लगता है कि कोई नहीं है यार। और पता हम इंसान लोग अकेले बनने के लिए कभी मतलब बने ही नहीं हुए, इसलिए आपको देखना अकेलापन अच्छा नहीं लगता होगा। आप कभी मतलब कि साइंटिफिकली भी देख लोगे तो अकेलापन से हम लोग शरीर को नुकसान पहुंचता है, दिल का दौरा पड़ने का मतलब दिल का दौरा पड़ने के बहुत चांसेस रहते हैं अकेलापन अगर जो है आपके अंदर। ठीक है तो अकेलापन से बचने के लिए लोग कई सारे लोग सोचते हैं कि दोस्त बनाएं और फ्रेंड्स बनाएं, मतलब फ्रेंड्स दोस्त एक ही होता है, फ्रेंड्स बनाएं पार्टी जाएं क्लब जाएं वगैरह वगैरह अकेलापन से बचने के लिए। लेकिन यार देखो दोस्त बहुत सारे हैं, दोस्तों की कमी नहीं है, लेकिन यार असली दोस्त जिसको आप 2 बजे सुबह फ़ोन करके ये बोल दो कि असली दोस्त जिसको आप सुबह फ़ोन करके ये बोल दो कि यार मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है मेरे से बात कर लो, तो आपसे बात करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक ये देखो आ गया आयरन गोलेम आज बट्टा आ गया आयरन गोलेम। ठीक है सुनो
हम लोग बनाते हैं, को बनाते हैं, क्या कहते हैं इसको, यहाँ पे करेंगे ठीक है। इतने सारे क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे ससुरा की, ब्लॉक कम रहेगा और क्राफ्टिंग, ये देखो हवा मुड़ रहा है, ये स्लैब के ऊपर, स्लैब का एकदम अलग ही मैकेनिक होता है। कहाँ गया वो वैसे, ठीक है ये हो गया ठीक। तो मेरा कहने का मतलब ये है ना कि जब आप अकेले रहते हो तो दुनिया भर का ऐसा हार्मोन बॉडी में निकलते हैं ना जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है अकेले रहने से, मतलब आप कम उम्र जीओगे ऐसा, मतलब कि ऐसा साइंटिफिकली भी पता है, ये हुआ है क्या कहते हैं फाइंड किया गया है, ऐसा साइंटिफिकली भी फाइंड किया गया है कि अकेलापन में ना आप ना वो होगा क्या कहते हैं आपको, ओए यार मेरे इसको मारना पड़ेगा मेरे को, अभी ऊपर आएगा, ऊपर नहीं आ रहा है, ऊपर आ जा, ऊपर नहीं आएगा तो नीचे ही जाएगा, ये नीचे आ जा, अरे सलाह हम आगे जाएंगे, मजबूत अपने लोहे के बाहों में हमें जगाड़ लेगा। ए आजा, इधर आजा बेटा, लोहे के बाहों से याद आया मेरे को यार, आज हमने यहाँ पे क्यों स्पॉन किया है, ये यहाँ पे क्यों स्पॉन किया है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो कोई बात नहीं आ रहा, 5 आयरन मिल गया ना, हम लोग आयरन कहाँ था वैसे, अरे आयरन ले आना चाहिए था वैसे हमारे वहाँ पर नेदर पोर्टल से, चलो कोई बात नहीं हम लोग आयरन ले आते। तो सुनो हाँ, तो हम कह रहे थे ना कि अगर जो आपको लग रहा है ना कि आप अकेले रह लोगे और स्वस्थ नजर से रहोगे, नहीं, अकेले रहने से ना हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम इंसान कभी भी अकेले रहने के लिए बने ही नहीं थे, हम लोगों की शरीर ऐसे नहीं बनी हुई है कि हम लोग अकेले रहें, अब वो मजबूरी है, लोग नहीं मिल पा रहे हैं, दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं, हालात ऐसे नहीं बन पा रहे हैं, लेकिन हम लोग कभी भी अकेले रहने के लिए नहीं बने थे। हमको समझ में नहीं आता यार कि इंसानों में इतना भेदभाव क्यों होता है यार, तुमको अकेले रहना पसंद नहीं है, हमको भी अकेले रहना पसंद नहीं है, दोनों के लिए अकेले रहना अच्छा भी नहीं है, तो आओ दोस्ती करो, मिलजुल करके आगे बढ़ते हैं एक साथ, लेकिन नहीं, लोगों में मतलब छल, कपट, बेईमानी और क्या बोलते हैं मिस अलाइनमेंट ऑफ थाट्स, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आगे चल के मतलब कि यार आगे चल के क्या है, मेरे को बहुत सारा पढ़ाई लिखाई करनी है, एक वीडियो बनाने के लिए इतना सारा नॉलेज की चीज़ें, बातें, ज्ञान की बातें करनी पड़ती है ना कि क्या होता है। ओके तो देख रहे हो यार यहाँ पे दाद तेरी के यार, एक मिनट रुको हम लोग चलते, सुनो नहीं हाँ चलो दौड़ो यार, दौड़ो जल्दी दौड़ो, देखो दौड़ ही नहीं पा रहा ठीक। तो आयरन मिल रहा है, आयरन थोड़ा सा लो स्पीड से, थोड़ा स्पीड कम है आयरन की, आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी मशीन बनाएंगे, पूरा दुनिया बदल देंगे ठीक है। और पता है इधर ना हम ये सब लावा का कुछ ऐसा मतलब तालाब जैसा बनाएंगे ठीक है, लावा का ना एकदम वो बनाएंगे मतलब ताकि लगे ना भैया कि रिस्क है एकदम, इधर देखो जैसे भी गिर जाओगे तो निकल नहीं पाओगे, मेरे को हाइट्स पे बनाना बहुत पसंद है ठीक है, आई रियली लाइक टू बिल्ड थिंग्स एट ग्रेटर हाइट्स ठीक है, मतलब देखने में मतलब कि एक गजब की फीलिंग आती है ठीक है। सो या तो आई थिंक हम लोगों को इस एपिसोड को रैप अप करना चाहिए ठीक है, अगली बार आप आओगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपना मेरा शायद ये थोड़ा मोड़ा इम्प्रूव हो जाए चीज़ें ठीक है। तो अभी इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में मिलेंगे हम लोग, अगले एपिसोड में देखेंगे कि चीज़ें क्या क्या कैसे कैसे आगे अनफोल्ड करती हैं। पता है अभी क्या है, अभी यहाँ आयरन का मतलब कि थोड़ा प्रोडक्शन को थोड़ा और तेज करना है ठीक, बहुत कम आयरन मिल रहा है हमको, आयरन आर्मर वर्मर में बनाना पड़ेगा, उसके बाद से फिर आगे चल के ना मेरे को यहाँ पर खाना का जब प्रोडक्शन है उसको ऑटोमेट करना है ठीक है, फिर कोबलस्टोन जनरेटर बनाना पड़ेगा ठीक है। कोबलस्टोन जनरेटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम वहाँ पर रह करके जो खुदाई ऐसे करते हैं ना, हमको ये सब भी नहीं करनी है ठीक है, हमको मतलब कि ऑटोमेटिकली खूब, हम बस खाली चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएँ और मेरे को एकदम पूरा ब्लॉक्स सारा ब्लॉक्स मिल जाए और हम अपना आगे बढ़ते रहे ठीक है, मेरे को ये चाहिए ठीक है। और खूब मतलब ऊपर आसमान में ऐसे ऐसे सीनरी बनाएंगे ठीक है, ऐसे गोल 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 जैसे बनाएंगे, बीच में ऐसे लावा गिरा देंगे और ये फॉल्स है वो फॉल्स है, अगर जो आपका कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, हम उसको यहाँ पे लिख दिया करेंगे ठीक है। तो फिलहाल के लिए आई थिंक इस एपिसोड के लिए इतना काफ़ी है, अगले एपिसोड में मिला जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।